हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स वायरल कैसे करते हैं। आप लोग का काफ़ी सारा मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पर, डीएम देखने को मिल रहे हैं कि भाई हमारी रील्स वायरल क्यों नहीं होती हैं, और यहाँ पे रील्स हमारे 50-60 से व्यूज आते ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ सेटिंग बताऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा करके। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपकी वायरल हो सकती है रील्स। वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना टाइम को हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, हमारा प्रोफाइल कुछ इस तरह से मैं ओपन कर रखा हूं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर सकते हो। बट मैं आपको यहां पे लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पे सेकेंड अकाउंट यानी कि एक नया अकाउंट क्रिएट करके रखा हूं। तो मैं यहां पे लॉगिन कर लेता हूं। जी हां गाइस, आप यहां पे देख पा रहे हो मैं यहां पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर किया हूं, अभी किया हूं मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो स्किप कर दोगे तो आपकी रील्स यहाँ पे वायरल नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहली गलती आप क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, ठीक है। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, अभी क्रिएट किए हो, तो आपको वीडियो को जरूर देखना होगा। वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 3 लाइन मिलता है, कोने में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी पर करते हो क्लिक, तो आपको यहाँ पे एक क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे आएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये भी काफ़ी लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पर डीएम्स कर रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पर क्रिएटर टूल्स कंट्रोल्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बैक आ जाना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एडिट प्रोफाइल का, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको नेम, बायो, लिंक सब कुछ अटैच करना है, ठीक है। तो बायो आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो, मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, वीडियो क्रिएटर हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो क्रिएटर इस तरह से लिख सकते हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। आपको बायो में डालना है इस तरह से, बर्थडे आपका कब है, आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जी हाँ गाइस, इस तरह से आपको सेव कर देना है। आपका नेम क्या है, यहाँ पे आप नेम अपना रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम है उस्मान खान, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से डन कर देता हूँ, ठीक है। ऐड लिंक आप यहाँ से प्रोफाइल लिंक यानी कि फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ यहाँ से आप अटैच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। आप लोग गलती पहले ही करते हो कि आप अपना अकाउंट प्रोफेशनल नहीं करते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको कंटिन्यू करते जाना है, इस तरह से आपको कंटिन्यू करके जाना है। जैसे ही आप करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आता है, इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना। आप ब्लॉगर हो, वीडियो क्रिएटर हो, आर्टिस्ट हो, क्या हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एडिटर हो तो आपको एडिटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, बट मैं यहाँ पे वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स पर टिक करना है यानी कि क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप इसको लोगों को दिखाना चाहते हो, सभी को दिखाना चाहते हो अपने प्रोफाइल पर, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे आप जैसे इनेबल करते हो, डन का बटन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रिएटर का बटन मिलता है, तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। क्रिएटर करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। अगर आपको रील्स वायरल करना है तो आपको क्रिएटर पे ही करना है, बिजनेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको ओके कर देना है। यहाँ पे ओके आप जैसे ही करते हो गाइस, आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपको नेक्स्ट करते जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। आपका यहाँ पे प्रोफेशनल तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू आपको कर देना है। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो यस फिनिशिंग एडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करते हो, आपका यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। वीडियो अभी भी एंड तक देखना, मैं आपको रील्स भी बताऊंगा कैसे आपको हैशटैग लगाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहली बात दूसरा नंबर पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब भी आप उसको सेटअप करते हो यानी कि अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो, तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा 0 of 6 steps complete। आपको 6 steps कंप्लीट करने होंगे। तो पहला कंप्लीट करना है कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेम अभी डालना है, बायो डालना है, यानी कि सब कुछ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना नेम डाल देता हूँ पहले। तो फाइनली गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है ग्रो योर ऑडियंस, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, तो आपको
इसमें से किसी को एक चूज कर लेना है, ठीक है। तो इनवाइट फ्रेंड्स बाय इंस्टाग्राम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो आप, उसके बाद यहाँ पे डन आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही करते हो आपका दो स्टेप कंप्लीट हो जाता है, गेट इंस्पिरिट का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको कुछ यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, कुछ लोग को आप फॉलो करना है। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो एक दो लोग को, ठीक है। इस तरह से फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। सही का चिन्ह ऊपर मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका थ्री स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आता है चौथा नंबर पे, यहाँ पे एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो गाइज आपको इनसाइट पर क्लिक करना है, गो टू इनसाइट इस तरह से। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइज इसको आपको डन कर देना, कुछ आपको करना नहीं, इसको डन कर देना, आपका स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बस आपके सामने दो स्टेप और बाकी हैं, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्ट योरसेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है, आपको एक पोस्ट कर देना है, ठीक है। आपको दो से तीन पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पर करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। शेयर पर क्लिक कर देना है, क्लिक आप जैसे ही करते हो गाइज आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हो। सो गाइज जैसे ही होता आपको प्रोफाइल पे आना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फोर ऑफ सिक्स स्टेप कंप्लीट इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे तीन पोस्ट आपको लगातार करने हैं, तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको कोई भी यहाँ पे तीन पोस्ट आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके आपको फिर बताता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया, छः पोस्ट करने के बाद यहाँ पे फाइव स्टेप कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब रहा यहाँ पे एक जो है लास्ट, ठीक है, लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, इसको स्टेप कंप्लीट करने हैं। दोस्तों जब भी आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो क्रिएटर मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे आपका रील्स वायरल होगा, कुछ भी होगा, तो आपको यहाँ पे रीच दिखाई देगा, ठीक है। आपका कितना ज़्यादा चल रहा है, 600 500 कुछ भी चलेगा, यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड ज़रूर करना है अगर आपको रील्स वायरल करना है। अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स और बताऊँगा जहाँ से आपकी रील्स वायरल होनी ही होनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई जरूर कर दो। चलिए मैं आपको लास्ट स्टेप बताता हूँ आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फाइव स्टेप पर, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको लास्ट स्टेप आपको देखने को मिलता है, टेल अस योर गोल्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको रीच चाहिए, आपके रील्स पर ज़्यादा से ज़्यादा रील्स चाहिए, मतलब रीच चाहिए कि हमारे लाइक्स फॉलोअर्स इंक्रीज हों, तो आपको रीच पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप रीच पर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, अब आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, यहाँ पे काफ़ी सारा, बट आपको एक और सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट बटन मिलता है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कमेंट्स मैसेज, तो आपको मैसेज पर यहाँ पे टैप कर देना है, मैसेज पर डन कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही डन करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस 6 डिजिट का यहाँ पे जो आपका स्टेप था कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक न्यू अकाउंट बनाए हो तो आपको कुछ इस तरह से सेटिंग करने होते हैं, उसके बाद यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पर क्लिक करते हो गाइज आपका यहाँ पे जो स्टेप था, यहाँ पे जो एरर था 5 से 6 का, यहाँ पे हट चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको स्टेप को फॉलो करना है और आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रील्स क्रिएट करने का सही तरीका। आप रील्स पोस्ट तो करते हो, लेकिन आप क्या कमी है, आपके रील्स में क्या गलती करते हो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है रील्स क्रिएट करने के लिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे रील्स को क्रिएट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप जब क्लिक करते हो तो गाइस रील्स क्रिएट करना है, रील्स अपलोड करना है, तो आपको प्रोफाइल पे आना होगा। प्रोफाइल पर आप आते हो तो आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट सब कुछ, यानी कि स्टोरी भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रील का ऑप्शन देखने को मिलता है फर्स्ट पर, तो आपको यहाँ पे सिंपली टैप करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टैप करते हो गाइस आपको एक कोई सा एक रील्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रील्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
हेलो गाइज, तो गाइज मैं यहाँ पे रील्स को सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन मिलता है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस सेटिंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इन सभी पर ध्यान नहीं देना है, नीचे स्क्रॉल करके आपको आ जाना है, ठीक है। तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपलोड एट हाई क्वालिटी, तो आपको रील्स हाई क्वालिटी में अपलोड करनी है ताकि लोगों को पसंद आए और आपकी रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें, ठीक है, तो आपको फॉलो भी करेंगे। तो आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी में जो आपका रील्स होता है अपलोड होगा, इस पर आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज आपका रील्स किस टॉपिक पर है आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है इंस्टाग्राम रील्स वायरल कैसे करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स वायरल इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही लिखते हो उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, इस तरह से आपको डॉट लगा कर नीचे आना है और आपको यहाँ पे हैशटैग यूज करना है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ हैशटैग आपको क्या लगाना है। सबसे पहले गाइज आपको इंस्टाग्राम लगाना है, यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको सर्च कर लेना है, हैश पहले लगाना है, हैश आप जैसे ही लगाते हो हैश, फिर उसके बाद लिखना है INS इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो फाइनली गाइज आपको कुछ इस तरह से हैशटैग यूज करना है, कम से कम 8 से 10 आप हैशटैग यूज जरूर कीजिएगा अपने रील्स पर, कुछ इस तरह से इंस्टाग्राम फॉर यू रील्स वायरल इस तरह से आपको लिखना है और आपका अपना यूजर नेम भी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको हाई क्वालिटी में जरूर उसको इनेबल करना, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब अपलोड कैसे करते हैं, यहाँ पे शेयर का बटन मिलता है, आपको शेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही शेयर करते हो आपका रील्स यहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही देर में आपका रील्स यहाँ पे वायरल होने लगेगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से अपने सेटिंग को कंप्लीट करना है। सो गाइस जैसे ही आपका रील्स यहाँ पे पोस्ट हो जाता है तो आपको प्रोफाइल पे आने के बाद आपको रील्स वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपका रील्स यहाँ पे शो हो जाएगा, कितने व्यूज आए सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रील्स पर और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्यू इनसाइट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ लोग यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं बनाते हैं, अपना स्टेप कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए उनके अकाउंट पर उनके रील्स पर व्यू इनसाइट का ऑप्शन नहीं आता है, क्रिएटर टूल्स कंट्रोल्स का ऑप्शन नहीं आता है जो सेटिंग में आना चाहिए। तो आप लोग का प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ सेटिंग गलत करते हो इसलिए नहीं आता है। तो आपको व्यू इनसाइट पर क्लिक करना है, जब भी आपका रील्स वायरल होता है तो आपको व्यू इनसाइट पर क्लिक करके अपने लाइक्स कॉमेंट्स और साथ ही साथ शेयर कितना हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना रील्स हमारा चल रहा है, कितने देर तक सब लोग देख रहे हैं, कितना रील्स हमारा बना हुआ है 27 सेकंड का है कि 20 सेकंड का, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा 27 सेकंड का बना हुआ है रील्स, मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना लाइक्स हुआ, कमेंट्स हुआ, कितना शेयर हुआ, सारा कुछ आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा और कितना लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं सब कुछ आप यहाँ से देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे 100%। आप कुछ इस तरह से सेटिंग को कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो वीडियो एक बार जरूर देखना शुरू से लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो पर। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हमें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल